गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हेलो देयर फ्रेंड्स. मेरा नाम केविन है. मैं आपके लिए इंग्लिश लिटरेचर और दूसरे सब्जेक्ट्स के पर्सनल ट्यूटर के इस चैनल से के माध्यम से रेगुलर अपडेट्स और समरीज एंड डेफिनेशन एक्सप्लेनेशंस लेके आया हूँ. दोस्तों, आज इसी पार्ट में काफ़ी रिक्वेस्ट और सजेशंस के बाद में मैं क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक के एक चैप्टर जो कि एक बहुत ब्यूटिफुल पोएम है शर्ली टोल्सन द्वारा लिखी गई, उसका नाम है अ फोटोग्राफ. दोस्तों, एक फोटोग्राफ क्या होता है हम सबसे पहले जान लें. एक फोटोग्राफ सिर्फ एक पिक्चर नहीं होता है. एक फोटोग्राफ में यादें, मेमोरीज, एक फोटोग्राफ में कुछ ख्याल, थॉट्स, किसी जगह का उल्लेख या वर्णन या एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन, सभी कुछ दिया जाता है. तो चलिए लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन देखते हैं. कोशिश करता हूँ आपको ये पोएम थोड़ा अच्छे से समझ में आएगी. फिर भी कुछ डाउट्स रहेंगे तो वी कैन क्लियर इट लेटर ऑन वाया द कमेंट्स, फ्रेंड्स. सो द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल्स कजन वेंट पैडलिंग. द कार्डबोर्ड, दोस्तों कार्डबोर्ड इसलिए बताया गया है क्योंकि एक फोटोग्राफ जो होता है वो बेसिकली एक फोटो फ्रेम में होता है. बट वो कार्डबोर्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि वो काफ़ी पुरानी चीज़ हो चुकी है, उसे सहारे की ज़रूरत होती है. एक फोटोग्राफ खुद कहीं टिक नहीं सकता है, तो उसे कार्डबोर्ड पे टिकाया गया है. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल्स कजन व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग. अब जब पैडलिंग बेसिकली होता है एक यू नो लेक में या नदी में रिवर राफ्टिंग करना या बोटिंग करने पे जाना, वो पैडल करते हैं व्हेन पैडलिंग. तो व्हेन द टू गर्ल कजन मतलब एक गर्ल और उसकी कुछ कजन्स रिवर किनारे या लेक किनारे पैडलिंग के लिए गई थी. तो ये कार्डबोर्ड, ये फोटोग्राफ मुझे बताता है कि उस वक्त क्या हुआ था. नेक्स्ट, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड शी इज द बिग गर्ल सम 12 इयर्स और सो. अब यहाँ पे ये रेवलेशन होता है दोस्तों. रेवलेशन मतलब ये उल्लेख होता है, एक बात निकल के आती है कि शर्ली टोल्सन बता रही है उस फोटो में ईच वन होल्डिंग टू गर्ल कजन्स व्हेन पैडलिंग ईच वन होल्डिंग माई मदर्स हैंड. तो फोटो में दिख रहा है कि डेफिनेटली कोई एक पर्सन तो इस पोएट की मदर है और बाकी दो उसकी कजन्स हैं. तो ये कजन्स, कजन सिस्टर्स थी ये तीनों. ये पैडलिंग के लिए जाती है और वहां पे वो जो कजन्स हैं उनमें से एक ये रिवील होता है कि वो हमारे पोएट की मम्मी है, हमारी जो पोएटेस सॉरी जो है उनकी मम्मी है. एंड शी द बिग गर्ल सम 12 इयर्स और सो. एंड जो मम्मी है वो शायद उनमें सबसे बड़ी है, लगभग 12 साल की. तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं ये पोएटेस खुद एक यू नो ग्रोन अप लेडी है, वो अपनी मम्मी की एक पिक्चर देख रही है जो बताती है उस वक्त को जब उसकी मम्मी 12 इयर्स की थी. वाओ, क्या नॉस्टैल्जिया है. वी कांट इवन इमेजिन अबाउट दैट, राइट. सो इट हैपेंस वाइस वर्सा. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. अब तीनों अपने बालों के बीच में से स्माइल दे रही है. अब ये बताते हैं कि सबके बाल लंबे भी थे. सब तीनों खड़े होके स्माइल दे रही है एक अंकल को जो कि कैमरा लेके खड़े हैं फोटो को स्टिल यू नो शॉट लेने के लिए. एंड आगे अ स्वीट फेस माय मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न. अ स्वीट फेस, एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा दिखता है उन बालों के थ्रू, जो बाल जो फेसेस हैं यू नो वो अंकल को देख के स्माइल कर रहे हैं, उन फेसेस में से एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा दिखता है मेरी मम्मी का. कब का? जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी. तो उस वक्त जब मेरी मम्मी खुद 12 साल की थी तब का एक खूबसूरत सा चेहरा मेरी मदर का मुझे दिखता है. एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस wash their terribly translucent feet now and the sea which appears to have changed less. दोस्तों, शर्ली टोल्सन यहाँ कहती है कि जो सी है इस फोटोग्राफ में दिख रही है, आज भी वो समुद्र का किनारा, आज भी वो समुद्र, आज भी वो दरिया सेम वैसा ही है, वो चेंज नहीं हुआ है, वो जो सी शोर है वो बदला नहीं है, आज भी वो वैसा ही है जैसे वो मेरी मदर जब 12 साल की थी जब ये फोटो लिया गया था सालों पहले यू नो तब मेरी मदर जैसी दिखती थी, लेकिन सीशोर बदला, आज भी सीशोर बदला नहीं है फ्रेंड्स. अब यहां पे दिखता है कि वॉश्ड
चेंजलेस वॉच द ट्रिम्बली ट्रांसलेंट फीट. अब टेरिबली ट्रांसलेंट फीट मतलब यू नो कहा गया है कि ट्रांसजेंट फीट यूजली जो गर्ल्स होती हैं बच्चे होते हैं दे कीप ऑन रनिंग हियर एंड देयर यू नो उनके पैरों में रेत लग जाती है एंड काफ़ी सी शोर के किनारे रेत पैरों में लगती है एंड बच्चे मस्ती करते हैं हाथों में लगती है. लेकिन वो जो सी थी वो मेरी मदर और उनके कजन्स जो थी जो बहनें थी उनके पैरों को मानो धो रही थी. एंड शिड सम 20-30 ईयर्स लेटर शिड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट. अब कुछ 20-30 साल बाद मेरी मम्मी अगर ये फोटो देखती है ना तो वो हंस देती थी और कहती थी सी बेटी एंड डॉली शिड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच. अब मम्मी अपनी कजन्स के नेम बताती है मुझे. तो दोस्तों फर्स्ट स्टैंजा में हम देख रहे हैं कि जो पोएट है वो बता रहे हैं दैट व्हाट वाज माय मदर लुकिंग हाउ वाज शी लुकिंग एंड व्हाट वाज शी डूइंग एट दैट एंड द शो और द शो वो शोर पे कर क्या रही थी. सेकेंड स्टैंजा में शी इज डिपिक्टिंग व्हाट अ मदर स्पीक्स. अब वो बता रही हैं कि पहले मुझे ये पिक्चर मिला है जो पिक्चर मेरी मदर का था जब वो 12 साल की थी. अब मेरी मम्मी खुद वो पिक्चर देख रही है कब 20-30 साल बाद. मतलब लगभग अगर हम बात करें तो उस समय 12 थी तो अजम्पशन के बेसिस पे वो अब 30 से 40 के बीच में 35-45 की एज के बीच में मेरी मदर है. अब वो फोटो देख के हंस देती है अपनी कजन्स को देख के कि देखो बेटी एंड डॉली जो कजन्स के नेम है किस तरीके से ड्रेसअप करा था इन लोगों ने मुझे वहां सी ले जाने के लिए बहुत फनी वे में. यू नो इनिशियल ड्रेसिंग सेंस और आज के ड्रेसिंग सेंस काफी चेंज हो चुके हैं. तो मम्मी हंस रही थी कि देखो बेटी और डॉली ने कैसे हमको रेडी करा था. द सी हॉलीडे वॉज अ पास्ट माइन इज अ लाफ्टर. अब इस लाइन में थोड़ा सा एक पिंच है दोस्तों. द सी हॉलीडे was her past, mine is her laughter. एक sadness वाली feeling आ जाती है इसमें जहाँ पे Shirley Toulson कह रही कि वो जो sea holiday थी वो मेरी मम्मी का past बन गया है. मतलब वो चीज़ अब खत्म हो चुकी है and mine is her laughter. Friends, मेरे सारे lectures में कहते आया हूँ if you want to understand English poems, try and read between the lines. द सी हॉलीडे वॉज अ पास्ट एंड माइन इज अ लाफ्टर. तो जो सी की जो हॉलीडे थी वो मेरी मम्मी का एक बीता हुआ कल था और उनकी हंसी आज मेरा बीता हुआ कल बन गई है. मतलब कुछ बात शर्ली यहाँ पे कह रही है दैट इज वेरी हर्टिंग. नेक्स्ट लाइन में लेट्स अंडरस्टैंड. बोथ राय विद द लेबर डीज ऑफ लॉस. बोथ राय मतलब बोथ चीजें दोनों वो समुद्र के किनारे बिताई हुई छुट्टी और वो फोटोग्राफ वो हंसी वो खुशी मेरी मम्मी का भी एक पास बन गई है और मेरी मम्मी की हंसी जो अब मुझे सुनाई नहीं देती है वो हंसी मेरा पास्ट बन गई है. बोथ राय विद द लॉस दोनों चीज़ों में किसी ना किसी दोनों लोगों का कुछ ना कुछ लॉस दिख ही जाता है. मेरी मम्मी का लॉस वो बचपन मेरा लॉस मेरी मम्मी. तो इस तरीके से शर्ली बहुत प्यारे तरीके से अब इस पोयम का एक थर्ड पार्ट शुरू कर रही है. फ्रेंड्स नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड. अब नाउ शी हैज बीन डेड शर्ली यहां क्लियरली डिपिक्ट करती है कि अब मेरी मम्मी काफी साल हो गए हैं एज मेनी एज दैट गर्ल लिव्ड. मेरी मम्मी उतने साल पहले गुजर चुकी है जितने साल वो लड़की खुद जी थी. मतलब शर्ली आज खुद एक बहुत राइपेंड एज में है दोस्तों. आज वो खुद जीवन के उस पड़ाव पे आ गई है जिस पड़ाव पे उनकी मम्मी एक टाइम पे उनकी मम्मी की डेथ हुई थी. एज मैनी एज ईयर्स एज शी लिव्ड मतलब मेरी मम्मी को गुजरे इतने साल हो गए हैं जितना मेरी मम्मी जी थी. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी मम्मी 40 years तक जी है तो आज मेरी मम्मी को गुजरे 40 years हो गए दोस्तों. तो that means Shirley alone is also talking after the birth of 80 years. You know, उसकी मम्मी अभी अगर जिंदा होती तो almost 80 years की होती. तो बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने इसको इस लाइन को ज्वाइन करा है. फ्रेंड्स आई होप यू अंडरस्टैंड. एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल इट्स साइलेंस साइलेंसेस एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस. अब हालात ऐसे हो गए हैं और शर्ली के अंदर अब इमोशंस उमड़ रहे हैं दोस्तों. वो क्लियरली डिपिक्ट कर रही है कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अब मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ.
There's nothing to say at all. अब मेरे मुंह से कुछ बोल नहीं निकल रहे हैं, कुछ कहने लायक चीज रह नहीं गई है, सिर्फ एक साइलेंस रह गया है और उस साइलेंस का साइलेंस के अलावा कुछ भी बाकी नहीं रहा है। दोस्तों, इस पोयम में शर्ली ने बहुत प्यारे तरीके से अपनी मदर की एक पूरी लाइफ, उनका यूथ, शर्ली के साथ बिताए पल और एंड में आज उनकी मम्मी की डेथ और शर्ली लगभग सालों साल बाद कैसा सोच रही है बहुत ही खूबसूरती से बता देती है। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये पोयम समझ में आई होगी। स्टिल यू हैव गॉट सम डाउट्स तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। एंड यहाँ पर एक प्लेलिस्ट है जिस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस बुक के दूसरे चैप्टर्स रेडिली अवेलेबल हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू अगेन।